नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रिदांस मॉम क्रिएटिविटी। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात कर रही हूँ ये बहुत ही प्यारे और सुंदर से फ्लावर के बारे में। ये एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है और ये विंटर में फ्लावरिंग करता है और बहुत ही कम देखभाल की ज़रूरत पड़ती है इसे। आप एक बार इसको अपने गार्डन में शामिल करें तो ये सालों साल टिक जाता है और एक ही प्लांट से ये बहुत सारे प्लांट हो जाता है और इसका प्रोपागेशन बहुत ही इजी है। मैं अभी आपको सारी डिटेल बात करती हूँ। इसका नाम है डोंकी एयर कोलंचो। इसका नाम डोंकी एयर इसलिए है क्योंकि इसका लीफ का शेप जो है डोंकी एयर शेप में होता है, तो इसलिए इसका नाम डोंकी एयर प्लांट है। और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है, ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसके फ्लावर जो है इतने लंबे लंबे होते हैं और ये नीचे की तरफ झुके रहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा गुच्छे में बंचेस में फ्लावरिंग करता है। ये देखिए, ये मेरा सिर्फ एक ही पौधे का है। ये देखिए, एक ही पौधे का है ये और बहुत ही ज़्यादा गुच्छे में होता है। ये पूरा भरा हुआ था लेकिन कल बंदर आए और सारा देखिए नुकसान कर दिए हैं, सारा फ्लावर जो है वो तोड़ दिए हैं और पूरा छत भर फैला दिए हैं। देखिए इसके फ्लावर सब कैसे तोड़ के फैलाए हैं। और मेरे अनार के पौधे में भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हुआ था, वो भी सब तोड़ के खा चुके हैं, तो बहुत नुकसान किया है। मैंने सोचा अभी इसमें आधे फ्लावर्स हैं तो आपके साथ मैं वीडियो शेयर करूं। मैंने ये इस पर वीडियो पहले भी बनाया हुआ है लेकिन उस टाइम में ये फ्लावरिंग नहीं कर रहा था, अभी ये फ्लावरिंग कर रहा है तो मैं इसके बारे में आपसे बात करती हूँ। ये फ्लावरिंग जो है नवंबर से हुआ है, नवंबर से हुआ है, ये अभी जनवरी चल रहा है और ये फरवरी मार्च तक ऐसे ही फ्लावरिंग करता है, लेकिन अभी ये पूरा नुकसान हो गया है। और ये सकुलेंट वैरायटी का है तो इसमें जो है पानी की, इसको पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। देखिए इसके लीफ भी काफ़ी मोटे होते हैं, ये देखिए काफ़ी मोटे होते हैं इसके लीफ। सकुलेंट वैरायटी के लीफ में जो है वो पानी होल्ड रहता है, इसलिए इसमें पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। आज तो बारिश हुई है इसलिए ये मिट्टी बहुत गीली है, लेकिन जब भी आप इसमें पानी डालें, देखिए ऊपर का लेयर अगर सूख गया है, पूरा ड्राई हो गया है ऊपर का लेयर, तभी इसमें पानी डालिए, क्योंकि सकुलेंट वैरायटी में अगर कम पानी हो तो चल जाता है पौधा, लेकिन ज़्यादा पानी हो तो गल जाता है, सड़ जाता है, तो आप इसमें पानी कम दीजिए। और इसे धूप बहुत पसंद है, आप इसे ठंडी में 5 से 6 घंटे की धूप आती हो ऐसे लोकेशन में इसको रखिए, और समर में आप इसे 1.5 से 2 घंटे की धूप आती हो ऐसे जगह में आप इसे रख सकते हैं। आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं समर में, जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो, या 1.5 घंटे की धूप भी इसके लिए काफ़ी है समर में। और इसके लीफ जो है काफ़ी बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े होते हैं। मैंने ये सब नीचे से तोड़ दिया था और जब ये प्रोपागेशन जो है, ये लीफ के ये जो कट है इसमें से बेबी प्लांट प्रोड्यूस होता है और इसमें जड़ से भी प्लांट तैयार हो जाते हैं। देखिए ये छोटे छोटे प्लांट ये तैयार हुए हैं, आप इसको दूसरे पॉट में ये लगा सकते हैं। यहाँ से आप ये देखिए निकला है, आप इसको दूसरे पॉट में लगा सकते हैं। और इसमें ये है कि ज़रूरी नहीं है आपको बहुत बड़े गमले में ही लगाने हो, आप छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि एक पॉट में आप एक ही प्लांट लगाइए। एक पॉट में एक प्लांट होगा तो वो गुच्छे में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा, लेकिन अगर आप एक ही पॉट में ज़्यादा फ्लावर प्लांट्स लगा दें तो उसमें देखिए फ्लावरिंग ज़्यादा नहीं होता, बस इतना ही हुआ है इस पॉट में। तो आप इसमें ध्यान रखिए कि छोटा ही गमला क्यों ना हो लेकिन एक पॉट में सिर्फ एक ही प्लांट रखिए।
और इससे फर्टिलाइज़र की भी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। आप 3 महीने में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र या आप वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। आप 3 महीने में एक बार इसमें फर्टिलाइज़र, थोड़ा सा एक मुट्ठी फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, इतना इसके लिए काफ़ी है। ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं है और ये बहुत अच्छे से ये पूरा विंटर भर, नवंबर से लेके फरवरी तक ये ऐसे ही खूब फ्लावरिंग करता है। तो ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। एक बार आप अपने गार्डन में इसको ऐड करेंगे तो ये सालों साल ये ऐसे ही चलते रहता है। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्लीज़ प्रेस करिए ताकि आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू एंड हैप्पी गार्डनिंग।